HPSEB पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन की बैठक का आयोजन चंबा के बचत भवन में किया गया। इस दौरान पेंशनरों की समस्याओं और मांगों पर चर्चा की गई और इन मांगों और समस्याओं को हल करने के लिए बोर्ड और प्रदेश सरकार के सामने रखा जाएगा, इस पर चर्चा की गई। बैठक के बारे HPSEB पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष SK सोनी ने जानकारी दी। हमारी प्रदेश वेलफेयर एसोसिएशन है, हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन है, उसकी हमारी नई कार्यकारिणी का गठन 5 मई 2024 को हुआ। उसके बाद ये मीटिंग चंबा यूनिट के सौजन्य से चंबा में हमने रखी है और इसमें हमारे जो सबसे मेन पॉइंट है वो ये है कि जो 2016 में पेंशन रिवीजन हुए उसकी हमारी पे फिक्सेशन, नोशनल पे फिक्सेशन, पेमेंट ऑफ एरियर्स और जो उसके बाद जो हमें DA वगैरह की जो किस्तें मिलनी थी उनकी इंक्लूजन जो है वो की जाए, उस सिलसिले में मेन हमारा जो इशू था वो ये है। उसके बाद 3-4 और पॉइंट हैं जिसमें जो बहुत सारे लोगों के इंडिविजुअल केसेस जो हैं वो अभी सॉर्ट आउट नहीं हुए हैं, कुछ फैमिली पेंशनर्स के केसेस पेंडिंग हैं जिनको हम सेटल करवाना चाहते हैं। तो इस सिलसिले में आज की जो एग्जीक्यूटिव मीटिंग रखी है, क्योंकि ये एजेंडा आज की एग्जीक्यूटिव मीटिंग में पहले अप्रूव होगा, हमने बोर्ड को तो ये भेज दिया है बट इसको पहले अप्रूव करवा के तब हम मीटिंग में बोर्ड के साथ इसको टेकअप करेंगे। आज इस मीटिंग का ये तो जो पेंशनर्स है वो दो हिस्सों में हमारे बटे हुए हैं, एक प्री 2016 है और एक पोस्ट 2016 है। तो जो प्री 2016 है उनकी तो फिक्सेशंस की प्रॉब्लम चल रही है, जो प्रो 2016 है हमारे पेंशनर्स हैं जो 2016 के बाद रिटायर हुए हैं, वो मेजॉरिटी पेंशनर जो हमारे हैं उनकी अभी तक ना तो पे फिक्सेशन हुई और जो उनको लीव मतलब रिटायरमेंट पे जो उनको मिलना होता है ग्रेचुटी लीव एंड कैशमेंट, ये सारे जो उनके फंड्स हैं वो भी अभी मोस्टली ब्लॉक्ड है, वो भी उनको नहीं मिल पा रहे हैं और ना ही उनकी रिवाइज्ड पेंशनें फिक्सेशनें हो रही हैं। तो ये हमने एजेंडा में आइटम ली हुई है और इसी के लिए हम ये मीटिंग आज रखी हुई है और हम होपफुल हैं कि बोर्ड हमें जल्दी ही बुलाएगा और ये मीटिंग करके इसकी रिड्रेसल करवाएंगे। हम कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने हमारे से एजेंडा मांगा था तो हमने उनको भेज दिया है। इन द मीन टाइम थोड़ा बहुत प्रेशराइज हमने जब किया है तो अब यह है कि DA की उन्होंने हमें इंस्टॉलमेंट दे दी जो 2022 से ड्यू थी, बट उन्होंने कम से कम अब ये दिया है कि अप्रैल 2024 से वो हमें दे दिया है इन्होंने। तो वी आर ट्राइंग के थोड़ा प्रेशराइज करके थोड़े हम, क्योंकि ये जो एसोसिएशन है दिस रिप्रेजेंट ऑलमोस्ट 11 डिस्ट्रिक्ट्स और हमारे जो मेंबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा संख्या में हैं, तो 11 के 11 यूनिट्स हैं और उनके साथ हमारे जो बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें सब यूनिट्स भी हैं, एक एक दो दो सब यूनिट्स भी हैं उनमें। तो ये सारी जो हमारी मेंबरशिप है हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको जागरूक किया जाए और इसका प्रेशर जो है वो हम गवर्नमेंट के ऊपर और बोर्ड के ऊपर बिल्डअप करें। नए OPS अपने एम्प्लॉज़ को दे दिए, जो 2004 के बाद एम्प्लॉज बोर्ड में लगे उनको नई पेंशन स्कीम में लिया गया था, तो उनकी मेजर डिमांड थी कि उनको पुरानी पेंशन दी जाए और जिसको बोलते हैं OPS। तो ये इशू बोर्ड ने अभी तक सॉर्ट आउट नहीं किया, गवर्नमेंट ने कर दिया, गवर्नमेंट ने ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर दिया बट बोर्ड ने अभी तक नहीं किया है, जिसका हमने एजेंडा में लिया है कि जो हमारे 2004 के बाद के एम्प्लॉज़ हैं बोर्ड में एम्प्लॉयमेंट जिन्होंने ली थी उनको OPS लागू की।